हाय स्टूडेंट्स, आज यूट्यूब क्लास को मुझे डीके सर स्वागत जनावि। पाने पूर्व क्लास रे आम क्लास टेन जियोमेट्री रे थियोरम टेन बा उपवाद्य दस आम करते आज आम उपवाद्य दस विपरीत प्रतिज्ञा बा विपरीत कथन अच्छी जो प्रमेय 2.5 एवं 2.6 आम करवा पूर्वर ए प्रमेय गुड़िक सब थियोरम बा उपवाद्य आकार बर्तमान कितु उपवाद्य परिमाण को बा नंबर को टे कम से प्रमेय भाव कहीं ये सब प्रमेय कनक्लूजन ये गोटे गोटे फर्मूला भली ये सर्ट क्वेश्चन करिया को बहुत करिया बहुत इम्पोर्टेंट एवं केते गुड़े डिडक्शन कला बेले ये सब जिनस को आम अप्लाई करिबा से ये जिनस गुड़ा बहुत दरकारी तेणु भल भाव टे भल प्राक्ट जदि कर तुम डिडक्शन कला बेले कि सर्ट क्वेश्चन कला बेले तुम आराम सब जिन को अप्लाई करदे पार तेज आस पाने आम प्रमेय 2.5 रु स्टार्ट करवा तो ये प्रमेय 2.5 तो प्रमेय 2.5 रे आम देखा सामान्य कथन कौन अच्छी टी आम से विषय आलोचना करवा सरी ये प्रमेय 2.5 है उपवाद्य दस उपपाद्य दस विपरीत कथन ओ प्रमाण विपरीत कथन देची एवं तो प्रमाण देची ये जिनसटा मन रख ये उपवाद्य दस विपरीत कथन और प्रमाण तो फास्ट रे कही कथनटा को आम लिखिद कौन सी वृत्तर कौन सी वृत्तर कौन सी वृत्तर दुईटी ज्या सर्वसम हेले दुईटी ज्या सर्वसम हेले सेमानंक सह संपृक्त सेमानंक सह संपृक्त फास्ट रे क्षुद्र चाप द्वय सर्वसम फास्ट देला क्षुद्र चाप द्वय सर्वसम एवं द्वितीय रे देला द्वितीय देला बृहत चाप द्वय सर्वसम बृहत चापद्वय सर्वसम ये आमको देला उपवाद्य दस विपरीत कथन जोटा कि आमको देची प्रमेय आकार तो ये आम गोटे चित्र करदे बही चित्र टिके भिन्न प्रकार करके भिन्न प्रकार चित्र टी जा तमें टिके बुझापी सहज हम बोली मुझे चित्रटे करुच्ची तो आम दुईटी चाप नहीं जावा ए एक्स बी चाप एटा नहीं जावा सी वाई डी चाप देख ए एक्स बी एवं सी वाई डी दुईटी चाप ने तो केंद्र को आम ओ कहीदे केन्द्र को आम ओ कहीदे बर्तमान आमको दे दत्त कौन अच्छे आम देखा ताले ये बर्तमान चित्र आम एमती करदे एक्स बी चाप और सी वाई डी चाप नहीं गल तेब आस देख पे आम एटी क्षुद्र चाप एवं बृह चाप को चिन्हदेबा एवं ता सहित दुईटी ज्या आमको देखेद दुईटी ज्या किए ताले आम लिखा दत्तरे लिखा
वृत्तर दुईटी जा वृत्तर केन्द्र ओ एबी ओ सीडी दुईटी जा एबी ओ सीडी दुईटी सर्वसम ज्या अर्थात एबी ज्या सर्वसम सीडी ज्या ये आमको देदेला आम ज्या दुईटी सर्वसम मीन आम एमती लिखिपरिया से मानस संपृक्त क्षुद्रचाप सर्वसम बृहचाप सर्वसम आम एटी आइडेंटिफाई करदे क्यों दुईट क्षुद्रतम चाप के बृहताप क्षुद्रचाप किए तेणु एबी ज्या एवं सीडी ज्या सहित संपृक्त एबी ज्या और सीडी ज्या सह संपृक्त क्षुद्रचाप द्वय क्षुद्रचाप द्वय यथाक्रमे एक्स बी चाप ओ सी वाई डी चाप देख एबी ज्या सह संपृक्त क्षुद्रचाप है एक्स बी सी डी ज्या सहित संपृक्त क्षुद्रचाप है सी वाई डी एवं बृहचाप द्वय यथाक्रमे देख यार एक्स बी चापर बा ए बी ज्या सहित संपृक्त बृहचाप है ए वाई बी चाप ए वाई बी चाप एवं ओ सी सी डी ज्या सहित संपृक्त बृहचाप है सी एक्स डी चाप तेणु देख पे आउ थे टी तुम कहीदे मुझे इंडिविजुअल नहीं कहीदे देख एबी ज्या सहित संपृक्त क्षुद्रचाप है एक्स बी चाप एवं बृहचाप है ए वाई डी चाप ए वाई बी चाप एवं सी डी ज्या सहित संपृक्त क्षुद्रचाप है सी वाई डी चाप एवं बृहचाप है सी एक्स डी चाप मन रख पे ए ज्या सहित संपृक्त क्षुद्रचाप द्वय किए किए एवं बृहचाप द्वय किए किए आम से आइडेंटिफाई करदे दरकार कहीं आमको प्रमाण्य से कथाटा प्रमाण करार अच्छे से आम आइडेंटिफाई करदे दत्तरे आमको भल हम तो आसवा आम प्रामाण्य को तो प्रामाण्य आम कहीदेच ये क्षुद्रचाप द्वय सर्वसम एवं बृहचाप द्वय सर्वसम ये दुटा है प्रामाण्य तो प्रथम टी लिखिद क्षुद्रचाप द्वय सर्वसम अर्थात क्षुद्रचाप आम किए नहीं एक्स बी चाप एक्स बी चाप सर्वसम सी वाई डी चाप ये आम प्रमाण करने जा द्वितीय प्रमाण करवा ए वाई बी चाप ए वाई बी चाप सर्वसम ए वाई बी चाप है बृहचाप सर्वसम आर बृहचाप है सी एक्स डी चाप सी एक्स डी चाप ये है बृहचाप ताले आम प्रमाण करिया बृहचाप क्षुद्रचाप द्वय सर्वसम एवं बृहचाप द्वय सर्वसम तेणु आम सिंबलिकाली आपको आम एमती लिखिदेले तो ये है एबी ज्या सहित संपृक्त क्षुद्रचाप है एक्स बी चाप बृहचाप है ए वाई बी चाप एवं सी डी ज्या सहित संपृक्त क्षुद्रचाप है सी वाई डी चाप एवं बृहचाप है सी एक्स डी चाप तेणु ए क्षुद्रचाप द्वय सर्वसम आम प्रमाण करवा बृहचाप द्वय सर्वसम आम प्रमाण करने को ताले तापर आसवा आम अंकन अंकन पाई आम कौन करिया पड़ो ना ए ओ जोग करवा ए ओ अंकन करवा बी ओ
अंकन करवा सीओ अंकन करवा एवं डीओ अंकन करवा तो लिखिद आम एओ बीओ सीओ एवं डीओ अंकन कर तो ये ला आमर अंकन तो ये आम अंकन प्रमाण करदे तो तेब आस पाने आम खाली टी बुझा आम केत जाय आम केतबाद चापद्वय सर्वसम हे मन रख पाने जदि से चापद्वय जो केन्द्र जो कोण उत्पन्न करे कोणद्वयर परिमाण जदि सामान है तेल आम कह चापद्वय सर्वसम हे बा कोणद्वयर परिमाण सर्वसम कोणद्वय सर्वसम हेले आम कह चापद्वय सर्वसम हेले तेणु आमको प्रमाण करा पड़ो जे ए ओ बी कोण एवं सी ओ डी कोण ए दुईटी कोण परस्पर समान बा सेमानकर मेजरमेंट समान बा आम कह से दुईटी कोणर परस्पर सर्वसम हेले आम कहीपर जे एक्स बी चाप एवं सी वाई डी चाप से परस्पर सर्वसम है आम कहीपर तेज आमर प्रथम काम ये हूँ त्रिभुज ए ओ बी कोण ए ओ बी कोण यही कोणटी को आम यही कोण सहित सामान बोली आम प्रमाण करवा अर्थात ए ओ बी कोण मेजर ए ओ बी कोण मेजर सी ओ डी कोण ये दुईटी कोण को आम सामान करवाक जा अच्छा एवं आम पाखे प्रश्न हूँ आम के कौन प्रमाण कले आम कहीपर जे ए ओ बी कोण सी ओ डी कोण सहित सामान हम परिमाण सामान हम तेल निश्चित ये तुम मनरे आसुव जे जदि आम त्रिभुज ए ओ बी एवं त्रिभुज सी ओ डी द्वय को सर्वसम कर दिखती तेल अनुरूप कोण ए ओ बी एवं सी ओ डी ए दुईटी परस्पर सर्वसम हो पार कहीं ये आम सर्वसम ज्यादा ए बी ज्याटी सर्वसम सी डी ज्या सहित तेल ए कोण एवं ए कोण ए दुईटी परस्पर अनुरूप कोण हम जदि आम त्रिभुज दुईटा को सर्वसम करदे पारती तेल आमर प्रथम काम हूँ आम त्रिभुज ए ओ बी एवं त्रिभुज सी ओ डी द्वय को किभली भाव में आम सर्वसम करवा तो सर्वसम करने आम हाथ में कौन अच्छी ना ओ ए इज्कवल टू ओ सी इज्कवल टू ओ बी इज्कवल टू ओ सी ओ डी एम लिखिपर चार चारटाक सामान हमारे एक वृत्तर व्यासा देतु तेणु एवं ए बी जा सर्वसम सी डी जा दत्त अच्छी तेणु आम से कहीपर जे अतए त्रिभुज सर्वसम ये है अच्छा बाबा बाहर आमको प्रमाण करवा दरकार ना कहीं बाबा बा तो आम प्रमाण करना आम बाकवा हाँ ए सरी क्लास नाइन रहा बाब दे क्लास टेन आम जेको बाटे प्रमाण करदे पार बाबा बाकपर बाकवा बाकवा तो ना ये बाबा बाहर तेब आस पाने आम देखा त्रिभुज ए ओ बी प्रमाण त्रिभुज ए ओ बी ओ त्रिभुज सी ओ डी द्वय टे भल भाव देख पाने त्रिभुज ए ओ बी त्रिभुज ए ओ बी एवं त्रिभुज सी ओ डी द्वय ए ओ इज्कवल टू सीओ ए ओ इज्कवल टू सीओ बा ए ओ इज्कवल टू डीओ बी लिखिपर ए ओ इज्कवल टू डीओ बीओ इज्कवल टू सीओ ये कौन पर एक वृत्तर व्यासार्ध हेतु एक वृत्तर व्यासार्ध तो ये आम ए दुईटी सामान एवं आम कौन कह सर्वसम सी डी अर्थात ए बी सामान सी डी भी करें सर्वसम जे आम सर्वसम लिखिपर ये हूँ दत्त अत त्रिभुज दुटा सर्वसम हो गला त्रिभुज ए ओ बी सर्वसम त्रिभुज सी ओ डी तो यहाँ दुटा त्रिभुज सर्वसम हो गला कौ कंडीशन अनुसार ना बाहु 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 सर्वसमता बा 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 सर्वसमता अनुसार ये दुईटी त्रिभुज सर्वसम हो गला ताल जदि दुईटी आंक त्रिभुज सर्वसम हो गला आम कह मेजर ए ओ बी कोण
अते मेजर ए ओ बी कोण इज इक्वल टू मेजर सी ओ डी कोण देख पे ए दुटा सामान त्रिभुज सर्वसम्मान जेहेतु यही बाहूटा ए बाहू सहित सामान ए बीटा सी डी सहित सामान आर सम्मुखीन कोण ए ओ बी कोण एवं आर सम्मुखीन कोण सी ओ डी कोण ए दुईटी कोण अनुरूप कोण अर्थात से दु परस्पर सामान ये आम अनुरूप कोण लिखिपर अनुरूप कोण ताले मन रख पे दुईट त्रिभुज सर्वसम हेले से अनुरूप बाहू सर्वसम हे अनुरूप कोण सर्वसम हे आम एक लिखिपर ताले मेजर लिखले बोली आम कहींपर बा मेजर जदि न लिखा आम सीधा सर्वसम लिखिपर कोण खाली कोणटी को आम सर्वसम लिखिपर तो एमती भी लिखिपर कि मेजर लिखले इक्वल टू लिखा सामान लिखा मन रख पे कन्फ्यूज हो भूल करी आम मेजरमेंट लिखा इक्वल टू लिखा मझे जदि खाली कोण लिखा ताले आम सर्वसम चिन्ह देपर ताले ये अनुरूप कोण अतए मेजर अतए एक्स बी चाप अतए एक्स बी चाप सर्वसम सी वाई डी चाप जदि से केन्द्रस्थ कोण सामान जदि केन्द्रस्थ कोण सामान ताले चापद्वय मध्य सर्वसम होजे ताले एक्स बी चापटा सी वाई डी चाप सहित सर्वसम होगा तो ये आम क्षुद्र चाप कथा आसीगले ये एक प्रमाण प्रथम प्रमाणित होगा प्रथम पार्टा प्रमाणित होगा लास्ट को एकाचे लिखा प्रमाणित तेणु ये प्रथम प्रमाण होगा ये देख आम समीकरण एक देद ये है प्रथम प्रमाण प्रथमटा आम को प्रमाण कर एक्स बी चाप सर्वसम सी वाई डी चाप बर्तमान आम द्वितीय प्रमाण को जीवा द्वितीय हूँ जो आम कही बृहत चाप दुटा सर्वसम हम ताले बर्तमान आम कहींपर जदि ए ओ बी कोण है सी ओ डी कोण ताले आम कहींपर 360 डिग्री माइनस अतए 360 डिग्री माइनस मेजर ए ओ बी कोण इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस मेजर सी ओ डी कोण देख पे ये सामान लिखुचे कहीं आम कहले ए ओ बी कोण परिमाण सी ओ डी कोण परिमाण सहित सामान जेहेतु से सर्वसम हेले भी परिमाण सामान कहींपर कि परिमाण सामान हेले भी सर्वसम कहींपर तेणु जेहेतु मेजर ए ओ बी कोण इज इक्वल मेजर सी ओ डी कोण ताल 360 डिग्री माइनस मेजर ए ओ बी कोण इज इक्वल 360 डिग्री माइनस मेजर सी ओ डी कोण ए दुईटी सामान होपर ताल देख पे 360 रु जदि ए ओ बी कोण को आम फेड़ी देवा आम कौ कोणटा पाई ना यही पट कोणटा पाई से भाई मेजर 360 रु सी ओ डी कोणटा को बाद देदेले आम एपट कोणटा पाई जदि एपट कोण दुटा सामान ता सहित जो ज्या रहा बृहत चाप द्वय सर्वसम होगा कहींपर अतए चाप है किए ना मेजर सॉरी ए वाई सी ए वाई बी चाप अतए ए वाई बी चाप सर्वसम ये सी एक्स डी चाप सी एक्स डी चाप ये चाप बृहत चाप दुटा सर्वसम होगा देख पे प्रथम आम क्षुद्र चाप द्वय सर्वसम प्रमाण करते बर्तमान आम बृहत चाप द्वय सर्वसम आम प्रमाण कले तेणु ये द्वितीयटार प्रमाण ये प्रथम प्रमाण सो दुटा को आम प्रमाण करदे ये हूँ प्रमाणित ये आम प्रमाणित लिखिपर बा प्रूफ्ड लिखिपर तो ये प्रमाणित ताले आम देख पे प्रथम क्षुद्र चाप द्वय सर्वसम करदे आम बृहत चाप दुटा को सर्वसम करदे आउ थे टी कहीदे पे आम दुटा त्रिभुज सर्वसम कलापर पाइले ए ओ बी कोण एवं सी ओ डी कोण मेजरमेंट सामान जदि ए ओ बी कोण एवं सी ओ डी कोण मेजरमेंट सामान हम ताले आम लिखा 360 डिग्री माइनस ए ओ बी कोण इज 360 डिग्री माइनस सी ओ डी कोण अतए ए ओ बी कोण को 360 रु बाद देदेले आम ता सहित संपृक्त चाप है ए वाई बी चाप एवं 360 रु सी ओ डी कोण को बाद देदेले जे जो कोण पाइले तार सहित संपृक्त चापटी है सी एक्स डी चाप तेणु ये दुटा बृहत चाप सर्वसम होगा
तो ये हला प्रमेय 2.5 रो बा उपपद्य 10 रो विपर्त कथन एवं तार प्रमाण आमे कर देले। एगुडा को शॉर्ट क्वेश्चन ले बहुत इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ले पढ़े आमे जदि एठी जामे जानले कौन ना जदि दुईटी चाप सर्वसम हेबे त सेमानकर केन्द्रस्थ कोणद्वय सर्वसम हेबे। जदि केन्द्रस्थ कोणद्वय सर्वसम हेबे दुईटी चाप सर्वसम हेबे। जदि केन्द्रस्थ कोण सर्वसम हेबे दुईटी ज्या संप्रुक्त ज्याद्वय सर्वसम हेबे। जदि संप्रुक्त ज्याद्वय सर्वसम हेबे ताले केन्द्रस्थ कोणद्वय सर्वसम हेबे एवं संप्रुक्त ज्याद्वय जदि सर्वसम होंती ताले क्षुद्र चापद्वय मध्ये सर्वसम हेबे एवं ता सहित संप्रुक्त बृहत् चाप मध्ये सर्वसम हेबे। ताले केते गुडिए तथ्य आम ए विषय जानले तेणु आपको आम व्यवहार करके आम आगू प्रश्नर समाधान करिपारिबा तेणु एटाक एसी सब जिनस गुड़िक जानवाई निहाती दरकार। तो एबे आसिबा आम प्रमेय 2.6 को आसिबा। तो प्रमेय 2.6 रे आम कौन कही देखा प्रमेय 2.6 भी बहुत इम्पोर्टेंट बहुत समय ताप बेस करके डिडक्शन आसूची ताप बेस करके शॉर्ट क्वेश्चन आसूची। पूर्वर से थियोरम आकार किंतु जेहेतु से तीनोटी कि चारोटी फिगर आसूची से केस रे तेणु ये थियोरम आकार न रखि प्रमेय आकार रखिदे कहीं जेहेतु से गोटे इम्पोर्टेंट फर्मुला टीए एवं प्रति जो चैप्टर आम डिडक्शन करवा से आम गुड़े आपको आम अप्लाई करवा गोटे क्वेश्चन ले तेणु आपको आम भल टे बुझी दरकार। तो ये है प्रमेय 2.6 बर्तमान देखा प्रमेय 2.6 सामान्य कथनटा कौन अच्छी तार तीन चारोटी परिस्थिति अच्छी ये आम तीनोटी परिस्थिति आम चतुर्थ परिस्थिति विषय भी आलोचना करें मुझे जस्ट टे कहीदेवी। तो ये आसवा प्रमेय 2.6 गोटे चापर अंतर्लिखित कोण एवं तापर बेस करी केत गुड़े तथ्य आम जानवा एक वृत्तरे एक वृत्तरे कौनसी चापर अंतर्लिखित कोणर कौनसी चापर अंतर्लिखित अंतर्लिखित कोणर परिमाण अंतर्लिखित कोणर परिमाण यार विपर्त चापर यार विपरीत चापर डिग्री परिमापर अर्धेक सहित समान डिग्री परिमापर अर्धेक। तो ये अच्छी आम सामान्य कथन बर्तमान आम ए संबंध में चित्रटा करदबा चित्रटा टिके भल भाव टिके बुझा चेष्टा कर मु तुमको बुझेदेवी विभिन्न परिस्थिति रे केमिति आम ए संबंध में प्रमाण करदे पारिया। तो चित्र गुड़िक आम करवा बर्तमान टिके छोट चित्र कर दौर कहीं जगह हेनी एक्चुअली तो
देख पे ये तीनोटी परिस्थिति देची। प्रथम परिस्थिति रे देख ये मार्क कर टिके। प्रथम परिस्थिति रे कौन अच्छी? प्रथम परिस्थिति रे एपीबी चापटी गोटे क्षुद्र चाप नि। द्वितीय परिस्थिति रे एपीबी चापटी गोटे अर्धचाप नहीं अर्धवृत्त नि। तृतीय परिस्थिति रे एपीबी चाप गोटे बृहचाप नि। कहीं ना तुम देख बृहचाप क्षुद्रचापर डेफिनेशन अनुसार आम कही जदि एबी जी आर टी एवं पी बिंदु ये वृत्त केन्द्र गोटे पार्श्वर अच्छी तेणु यहाँ है एपीबी है क्षुद्रचाप। ये कह पी बिंदु एवं ओ बिंदु ये एबी जी आर केन्द्र रोच अर्थात ये गोटे पार्श्वर रोना तेणु ये आम अर्धचाप नहीं। तेणु ये बृहचाप कहीं कह केन्द्र बिंदु ओ रहा एवं पी बिंदु एबी जी आर गोटे पार्श्वर रोचे तेणु एपीबी को ये बृहचाप कह तीनोटी परिस्थिति आम जो नहीं गोटे आम क्षुद्रचाप नहीं। प्रथम चित्र आम क्षुद्रचाप नहीं प्रथम चित्र ये क्षुद्रचाप नहीं। द्वितीय चित्र आम अर्धचाप अर्धवृत्त नहीं। तृतीय चित्र आम गोटे बृहचाप एपीबी को बृहचाप नहीं। मन रख पे तीनोटी परिस्थिति नहीं तीनोटी परिस्थिति छाड़ी आहरी गोटे परिस्थिति अच्छी से देनी इनक्लूड करनी कहीं टे भिन्न प्रकार हे बोली तेणु मुझे लास्ट को कहीदेवि। तेणु प्रमेय 2.6 आम एक कथा देचे आम प्रमाण करिया तले एठरे काम कौन दत्त अच्छे आम देखा तो दत्त है एक वृत्तर कौन से एक चापर अंतर्गत कोणर परिमाण यार विपरीत चापर डिग्री परिमापर अर्धक सहित सामान ताले कौन से चापर अंतर्गत कोणर परिमाण ताले वृत्तर केन्द्र ओ वृत्तर केन्द्र ओ एपीबी एक क्षुद्र चाप एपीबी चाप एक क्षुद्र चाप एपीबी एक चाप संपृक्त एपी चापर अंतर्लिखित कोण एपीबी कोण एपीबी चापर संपृक्त चापर अंतर्लिखित कोण एपीबी चाप अंतर्लिखित कोण है एपीबी चाप बा एमती लिखिदे एपीबी कोण एपीबी चाप सह चापर अंतर्लिखित कोण चापर अंतर्लिखित कोण एपी चापर अंतर्लिखित कोण एवं यार विपरीत चाप है एक्स बी चाप एवं एक्स बी चाप एपीबी चापर विपरीत चाप विपरीत चाप एक आमें कहीदे कि एपीबी चापर विपरीत चाप है एक्स बी चाप ए प्रत्येक चित्र से हम एपीबी चापर विपरीत चाप है एक्स बी चाप एटी एपीबी चापर विपरीत चाप है एक्स बी चाप। तो ये आम दत्तर लिखिदे प्रामाण्य प्रमाण करवा प्रामाण्य आम कह एपीबी कोण मेजर एपीबी कोण इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ एक्स बी चाप मेजर ऑफ एक्स बी चाप कह मैंने एक्स बी चापटी केन्द्र से उत्पन्न करता कोणर परिमाण कथा को आम बुझा तेणु ये हूँ प्रामाण्य। बर्तमान आसवा प्रमाण को
हाँ ये आम अंकन करदे एओ बीओ अंकन करवा एओ बीओ अंकन करा जाओ अंकन करा जाओ एओ बीओ एवं पीओ अंकन करा जाओ कहीं दबा एवं पीओ अंकन करा जाओ पीओ रश्मि वृत्त को डी बिंदु रे छेद करू डी बिंदु रे छेद करू डी बिंदु रे छेद करू ये होची आमर अंकन आउथरे कह दो छी पिला माने एओ बीओ एवं पीओ अंकन करा जाओ पीओ रश्मि उपरे पीओ रश्मि वृत्त को डी बिंदु रे छेद करू पीओ रश्मि वृत्त को डी बिंदु रे छेद करू प्रत्येक चित्र पई कॉमन जिंसटा रहिला तो याकु आमे लिख परिया तापर आसु आमे प्रमाण को देखो पहिला माने गोटिए चित्र को देखि कि मु प्रमाण कह देबे तमे ऑटोमेटिक आर चित्र गुडा को देख पारिबो बर्तमान एक तृतीय चित्र को टे मार्क कर पे सब गुड़ाक एका आस तृतीय चित्र को फोकस करें पाइबा सब चित्र एका कथा आसो बर्तमान देख एओ इज इक्वल टू पीओ एओ इज इक्वल टू पीओ तेणु यही कोणटा हो कोण सहित सामान तेणु यही कोणटा ये कोण सहित सामान यही कोण हो बहिस्थ कोण अंतरस्थ दूरवर्ती कोण समष्टि सहित सामान अतः एक कोण इज इक्वल टू एक कोण प्लस एक कोण बा एक कोण जहाँ एक कोण से तेणु आम लिखे एक कोण है टू इंटु एक कोण देख पाने कथाटा आम प्रथम लिखा तेल आम आसवा से ही कथा गोटे गोटे काम क्लीयर करदे तुमको सहज हम तेल आम बर्त लिखा एओ पी त्रिभुज त्रिभुज एओ पी रे त्रिभुज एओ पी रे आम कह एओ इज इक्वल टू पीओ एओ इज इक्वल टू पीओ एक वृत्तर व्यासार्ध हेतु एक वृत्तर व्यासार्ध गोटे वृत्तर व्यासार्ध आम परस्पर सामान आम कहीपर एओ इज इक्वल टू पीओ बर्तमान आम कह मेजर ओ ए पी कोण मेजर ओ ए पी कोण अतए मेजर ओ ए पी कोण ओ ए पी कोण इज इक्वल टू मेजर ओ पी ए कोण देख पाने थे कहीदे जेहेतु यूटा यू ओ ए इज इक्वल टू ओ पी हम एओ इज इक्वल टू पीओ हम ताले तार सम्मुखीन कोणद्वय सामान हम अर्थात ए ओ ए पी कोण जहाँ हम ए पी ओ कोण से हम ताले कहीं कारण आम लिखा दुईटी गोटे त्रिभुजर दुईटी बाहु समान हेले सेमानंकर सम्मुखीन सेमानंकर सम्मुखीन कोणद्वय कोणर परिमाण समान हेबो दुईटी बाहु जदि समान हो गला गोटे त्रिभुज रे तार सम्मुखीन कोणद्वय समान हेबो सेई अनुसार आमे कहि परिया एक कथा अते बहिस्थ कोण अंतरस्थ दूरवर्ती बहिस्थ कोणर परिमाण आमे जानचंती बहिस्थ कोणर परिमाण त्रिभुजर बहिस्थ कोणर परिमाण अंतरस्थ दूरवर्ती कोणद्वयर परिमाणर समष्टि सहित सामान परिमाणर समष्टि सह सामान
ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁଟା ହେଲା ଏ ଓ ପି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଇଏ ହେଲା ବହିସ୍ଥ କୋଣ, ଇଏ ହେଲା ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣ, ବହିସ୍ଥ କୋଣ ପରିମାଣ। ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି ସହିତ ସମାନ। ଅତ ଆମେ ଲେଖିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ପିରେ, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ପିରେ ବହିସ୍ଥ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଏ ଓ ଡି କୋଣ, ଏ ଓ ଡି କୋଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓ ଏ ପି କୋଣ, ଓ ଏ ପି କୋଣ ପ୍ଲସ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓ ପି ଏ କୋଣ, ଓ ପି ଏ କୋଣ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏ ଦୁଇଟି କୋଣ ପରସ୍ପର ଆମେ ସମାନ ବୋଲି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟି କୋଣ ଯଦି ପରସ୍ପର ସମାନ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣ ପ୍ଲସ୍ ଏଇ କୋଣ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏଇ କୋଣ, ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣ ଯାହା ଏଇ କୋଣ ସେଇଆ, ତେଣୁ ଏଇ କୋଣ ପ୍ଲସ୍ ଏ କୋଣ ହେଲା ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏଇ କୋଣ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଓ ପି ଏ କୋଣ, ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓ ପି ଏ କୋଣ। କାରଣ ଆମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବା ଯେହେତୁ ଓ ଏ ପି କୋଣ, ମେଜର ଓ ଏ ପି କୋଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମେଜର ଓ ପି ଏ କୋଣ, ଯେହେତୁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ସମାନ ତେଣୁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ସମଷ୍ଟି ଜାଗାରେ ଗୋଟାକର ଦୁଇ ଗୁଣ ଲେଖିଦେଲେ ବି ଆମେ ଠିକ୍ ହେବ। ତ ଇଏ ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ ନେଇପାରିବା, ଏଇଟାକୁ ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ ନେଇଯାଅ। ସେହିପରି ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇଟା ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ, ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ବି ପିରେ ସେଇଭଳି ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ବାହୁଟା ଏଇ ବାହୁ ସହିତ ସମାନ, ତେଣୁ ଓ ବିଟା ଓ ପି ସହିତ ସମାନ, ତେଣୁ ଏଇ କୋଣଟା ଏଇ କୋଣ ସହିତ ସମାନ, ଏବଂ ଇଏ ଦୁଇଟାଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ହେଲା ବହିସ୍ଥ କୋଣ ସହିତ ସମାନ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଏ ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ବି ପିରେ, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ତ୍ରିଭୁଜ ବି ଓ ପିରେ ସେଇ କଥା ପାଇବା। ସେହିପରି ଆମେ ସେହିପରି ଲେଖିଦେବା, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେହିପରି ତ୍ରିଭୁଜ ବି ଓ ପିରେ, ବି ଓ ପିରେ ବହିସ୍ଥ ମେଜର ବି ଓ ଡି କୋଣ, ମେଜର ବି ଓ ଡି କୋଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟ୍ୱାଇସ୍ ଅଫ୍ ମେଜର ଆମେ ବି ପି ଓ କୋଣ ପାଇବା, ବି ପି ଓ କୋଣ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା। ସୋ ସେହିପରି କହିଦେଲେ ଗୋଟେକୁ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରମାଣ କଲେ ଆମେ ସେହିଭଳି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇପାରିବା ବୋଲି ଆମେ କହିଦେଲେ, ସୋ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ, କାମ ଟିକିଏ କମିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କୋଣଟା ଏଇ ବାହୁଟା ଏଇ ବାହୁ ସହିତ ସମାନ, ଓ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ପି ପାଇଲେ, ତେଣୁ ଓ ଏ ପି କୋଣ ଏଇ କୋଣଟା ଓ ପି ଏ କୋଣ ଏଇ କୋଣ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଏକ କୋଣ, ଇଏ ଏକ କୋଣ, ଏ ଦୁଇଟି ସମାନ, ତେଣୁ ଏଇ କୋଣଟା ହେଲା ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା, ତେଣୁ ଏଇ କୋଣ ହେଲା ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏଇଟା। ସେଭଳି ଏ ଦୁଇ କୋଣଟା ଏ ଦୁଇ କୋଣ ସହିତ ସମାନ, ତେଣୁ ଏଇ କୋଣ ହେଲା ଏଇ କୋଣ ପ୍ଲସ୍ ଏଇ କୋଣ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ କୋଣଟା ଲେଖିବା ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏଇ କୋଣ। ତେଣୁ ମାର୍କର ପିଲାମାନେ ଏଇ କୋଣଟା ହେଇଗଲା ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏଇ କୋଣ, ଏଇ କୋଣଟା ହେଇଗଲା ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏଇ କୋଣ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲେଖିଦେବା, ଯଦି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବା, କାହିଁକିନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ରରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଟା କେତେ ପାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ରରେ, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ର କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଆଗ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ପାଇବା କ'ଣ, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ପାଇବା ଏ ଓ ଡି କୋଣ ପ୍ଲସ୍ ବି ଓ ଡି କୋଣ, ମେଜର ଏ ଓ ଡି ପ୍ଲସ୍ ମେଜର ବି ଓ ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟ୍ୱାଇସ୍ ଅଫ୍ ମେଜର, ଏଇଠି ପାଇଛନ୍ତି ଓ ପି ଏ, ଓ ପି ଏ ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ୱାଇସ୍ ଅଫ୍ ମେଜର ବିପିଓ। ତ ଇଏ ଦୁଇଟା ଆମେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଓ ଡି ଏବଂ ବି ଓ ଡି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏ ଓ ଡି ଏବଂ ବି ଓ ଡି ଏ ଦୁଇଟା କୋଣ ମିଶି ହେଇଗଲା ଏ ଓ ବି କୋଣ। ଏ ପାଇଲେ ଆମେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏ ଓ ବି କୋଣ
ये तृतीय चित्र नहीं पाने मार्कर ये तृतीय चित्रटा भिन्न प्रकार अच्छे ये बृहचाप नहीं तेल ए दुईट कोणर समष्टि होगा ए ओ बी कोण तेणु ए ओ बी कोण इज इक्वल टू होगा टू इंटू ओपीए कोण बा एपीओ कोण जहाँ अच्छी आम लिखिद सो इज इक्वल टू आम टू इंटू टू कमन नहीं पाइबा ओपीए कोण मेजर ओपीए कोण सिंपली मिसाइ दे किसी विशेष भाविवार दरकार नहीं मेजर बीओपी कोण तो इज इक्वल टू केते पाइगले देख पे इज इक्वल टू देख ओपीए कोण ओपीए कोण एक कोणटा एक कोण एवं बीओपी कोण बीओपी कोण सॉरी बीओपी लिखिंट भूल बीओपी नुह बीपीओ कोण बीपीओ ये लिखिंट बीपीओ ये लिखा है समीकरण दुई रे बीपीओ लिखाई तेणु बीपीओ लिखिद क्रमटा भूल गले भूल ताले आउ थर टिके देख ए ओपीए कोण ओपीए कोण माने ओपीए कोण एवं एटा बीपीओ कोण ताले ए दुईट कोण मिसीगले हेगला एपी बी कोण तो टू इंटु मेजर एपी एपी बी कोण आम पाइले तेणु आम पाइले ए ओ बी कोण मेजरमेंट ए ओ बी कोण मेजरमेंट देख पे ए ओ बी कोण मेजरमेंट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एपी बी एवं ट्वाइस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एपी बी ताले एक पाइले अर्थात एपी बी कोण के अर्थात एपी बी कोण कोणर मेजरमेंट इज इक्वल टू यही कोणर मेजरमेंटा के दुईटा एपटे गुणाई एपट को आसे हराइज तो हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ एओ बी कोण हुई इज इक्वल टू देख पे जो थिला मेजर एओ बी कोण इज इक्वल टू टू इंटू मेजर एपी बी कोण तेणु मेजर एपी बी कोण के दुई गुणाइला एपट आस दुई हराइज वन बै टू हो वन बै टू अफ एओ बी कोण अच्छा देख एओ बी कोण कहला मैंने कौटा बुझ एओ बी कोण कहला मैंने एक्स बी चापर मेजरमेंट को बुझ मन रख पे एओ बी कोण है मेजरमेंट अफ चाप एक्स बी तो इज इक्वल टू हाफ अफ मेजरमेंट अफ एक्स बी चाप ये लिखिदार जेहेतु एओ बी कोण एओ बी कोण मेजरमेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए एक्स बी चाप एक आम पूर्वर आलोचना कर सारी तो जो पूर्व क्लास रे आम ए विषय टी आलोचना करते तेणु आम मेजर एओ बी कहला मैंने एक्स बी चापर डिग्री परिमाप को बुझा अर्थात एक्स बी चापर डिग्री मेजर को बुझा तो से लिखा जाए मेजर एक्स बी चाप तेणु ये प्रथम टी प्रमाण होगा ये प्रथम टी प्रमाण होगा ये फास्ट यटा को लिखिदार वन टू तर लिखिं एटा फास्ट आई लिखिद बेटर हम ए आई लिखिद तो ये प्रथम टी प्रमाण होगा प्रथम चित्र तृतीय चित्र रे आम टे सुविधा था बहिस्थ कोण अंतरस्थ दूरवर्ती कोण समष्टि आम नहीं गले ताले बर्तमान आम दुटा को समष्टि यहाँ सहित दुई गुण सहित समान प्रमाण करदे ये तृतीय चित्र काम हो गला बर्तमान आम द्वितीय चित्र को आसवा द्वितीय चित्र कौन अच्छी ये गोटे अर्धचाप अच्छी तेणु ये भी गोटे अर्धचाप अर्धचापर अंतर्लिखित कोण हूँ 180 डिग्री तेल आम से बाटे टी प्रमाण करा बर्तमान मुझ लिभौच पे दत्त जो अच्छी ऊपर टी लिखी जो लिभे जहाँफल कि तुमको लिखापी आम टे सुविधा हम तो ये आमे आसवा द्वितीय चित्र को सो द्वितीय चित्र आमे कहिबा द्वितीय चित्र रे द्वितीय चित्र रे आमे द्वितीय चित्र कौन पाइबा ताले आमे कहिबा ठीक से ही भले आमे जो पाइछन्ते एठी जो इक्वेशन वन टू एट केस रे मध्ये से पाइबा बर्तमान आमे कहिपरिया एपीओ कोण एपीओ कोण टू इंटू जो पाई आम मिसेद दुटा को यहाँ है 180 डिग्री माइनस एओ बी कोण यटा को लिखिदार ये जो बहिस्थ कोण पाइले आम से हम
ना आम तो एकटा 180 डिग्री बोल तो आम कहीपर नहीं तेणु आम कहीपर ए ओ पी कोण इज इक्वल टू आम पाइले ट्वाइस ऑफ दिस कोण ताले जो समीकरण पाई ए ओ पी कोण बा एपीओ कोण ये पाई तो एपीओ कोण रो मेजरमेंट इक्वल टू के ना आम कही एओडी कोण मेजर एओडी कोणटा के 180 डिग्री माइनस एओ बी पी कोण इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एओ पी कोण मेजर एओ पी कोण मेजर ए ओ पी कोण देख पे यही कोणटा है यही कोण अच्छा यहाँ जेहेतु सरल लेखा बोली तो आम कहींपर नहीं कहीं ओ ए ओ बी को जो करदे आम सरल लेखा बोली आम कहींपर पर प्रमाण करिया तो यही कोणटा हो गला 180 डिग्री माइनस यही कोण यटा गोटे मार्कर पे मैंने से बीपीओ कोण मेजर बीपीओ कोण इज इक्वल टू मेजर बीओडी कोण आपको आम लिखा 180 डिग्री माइनस मेजर बीओपी कोण यही कोणटा मार्क बीओपी कोण जो ए दुईट कोण को आम जोग करदे यू जोग करदे यू समीकरण दुटा जोग करदे अतएव आम कह मेजर एपीओ कोण प्लस मेजर बीपीओ कोण इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस मेजर एओपी कोण माइनस प्लस 180 डिग्री माइनस मेजर बीओपी कोण तो इज इक्वल टू 180 आम पाईगले जो 180 पाईगले आम 180 है 360 डिग्री माइनस एओपी कोण प्लस बीओपी कोण एओपी कोण प्लस बीओपी कोण मेजर एओपी कोण प्लस मेजर एटा को तो आम 180 डायरेक्ट आम लिखदेपर इज इक्वल टू ये दुटा 180 लिखदेपर इज इक्वल टू आम डायरेक्ट लिखद एपीओ कोण हाँ डायरेक्ट लिखदे हम यटा को कहीं जेहेतु यटा को अर्धचाप अर्धवृत्त नहीं व्यास हो तो ये कथा न लिखि डायरेक्टली आम लिखदे पार देख पे डायरेक्ट आम लिखदे पार इजिकल टू के मेजर एओडी प्लस मेजर बीओडी ए दुटा मिसिकला 180 डिग्री तो यटा को लिखे आम टू इंटू मेजर एपीओ एपीओ कौन के एपीओ कौन इजिकल हाफ पाई पा एपीओ कौन एपीओ कौन इजिकल हाफ एओ बी कौन हाँ यहाँ जो पाई आम हाफ पाई हाफ एओ डी कौन हाफ एओ बी ये भूल लिखिले एपीओ कोण देख पे एपीओ कोण इज इक्वल टू हाफ ऑफ एओडी कोण हाफ ऑफ मेजर एओडी कोण बीपीओ कोण बीपीओ कोण इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ बीओडी कोण बीओडी कोण ताले दुटा को मिसे देले हाफ मेजर एओडी प्लस हाफ मेजर बीओडी हाफ कमन नहीं गले मेजर एओडी प्लस हाफ हाफटा कमन नहीं मेजर बीओडी खाली आम कैलकुलेशन कर देख पे
सो ए दुटा बी एओडी बीओडी मिसीगले 180 होगा कहीं ना यहाँ 180 डिग्री इंटु 180 डिग्री इजिकल टू 90 डिग्री तेल आम ट्वाइस अफ मेजर एपीओ ट्वाइस एपीओ बीपीओ मिसीगला एपीबी तेल मेजर एपीबी कौन मेजर एपीबी कौन इजिकल टू एतिके आम पाइगले 90 डिग्री जोटा कि आम पाइबा 90 डिग्री मान कौन पाइबा हाफ अफ एक्स बी चाप हाफ अफ मेजर एक्स बी चाप देख पे कन्फ्यूज होटा को कन्फ्यूज हेनी तेणु यहाँ है जेहेतु 180 डिग्री तो 180 मान मेजर एक्स बी चाप तार अधा मान 90 डिग्री आम पाइले तेणु हाफ अफ मेजर अफ एक्स बी चाप तेणु ये द्वितीय चित्र प्रमाण होगा बर्तमान आम तृतीय चित्र को आसवा लिभोज पाने टे बड़ अच्छी प्रथम चित्र को आस आम टे बहुत बड़ अच्छी से उठे आम तीनो चित्र चार्टे चित्र को जस्टिफाई कला बेलू आमको बहुत समय लगे से प्रमेय आकार जोटा कि तुम्हें टे कष्ट होता जो थियोरमटा लिखला बेल बहुत समय लगुला तुम समय सेव कर बर्तमान तृतीय चित्र प्रथम चित्र देख पे प्रथम चित्र कौन पाइ प्रथम चित्र ना एपीओ कोण एपी ओ कोण र मेजरमेंट इजिकल टू पाई के टू एपीओ कोण लिखिद टू एपीओ कोण इजिकल टू पाते एओडी कोण एओडी कोण मेजर एओडी कोण इजिकल टू 180 डिग्री माइनस मेजर एओपी कोण आम यही कोणटा को आम लिखिदार 180 डिग्री माइनस एक कोण से अनुसार लिखी से भाई ट्वाइस अफ मेजर एपीओ एट बीपीओ कोण कहवा बीपीओ कोण इजिकल टू मेजर एटा कहते बीओडी कोण बीओडी कोण जेहेतु ये गोटे प्रवृत्त कोण आसूची रिफ्लेक्स आंगल आसपाई आमको एक कथाटा कर 180 डिग्री माइनस मेजर यही जो कोण जगार यही कोण जगार आम लिखिपर टू इंटु यही कोण जगह लिखिपर 180 डिग्री माइनस एक कोण यहीटा को आम लिखुं मेजर एओपी कोण ताले बर्तमान यटा को मिसई दि पे दीटा को मिसई देले अर्थात ट्वाइस अफ मेजर एपीओ कोण ए दुईटा को मिसई दबा प्लस ट्वाइस अफ मेजर बीपीओ कोण बीपीओ कोण 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री माइनस मेजर एओपी कोण प्लस 180 डिग्री माइनस मेजर एओपी कोण सॉरी एओपी 180 डिग्री माइनस बीओपी कोण एटा बीओपी कोण कहो आम तो माइनस बीओपी कोण देख एटा 180 माइनस एक कोण है एक कोण 180 माइनस एक कोण है एक कोण से बीओपी हेड लिखा ताले इजिकल टू ताले एठी बर्तमान जदि आम टू कमन नहीं जावा मेजर एपीओ कोण प्लस मेजर बीपीओ कोण इजिक्वल टू 180 है 360 डिग्री माइनस एओपी माइनस एओपी ब्राकेट दे देदेव माइनस एओपी प्लस करदे मेजर एओपी कोण प्लस मेजर बीओपी कोण देख पे ये माइनस थिला ये माइनस थिला माइनस कमन नहीं गली तेणु एटा प्लस एटा होगा तो बर्तमान देख एटा पाइले केते एओपी बीओपी कोण ताले आम पाइले दैट इम्प्लाइज ट्वाइस अफ मेजर देख पे एपीओ एपीओ एवं बीपीओ ए दुईटा कोण मिसीगले होगा ये पूरा कोणटा एपीबी कोण इजिक्वल टू 360 डिग्री माइनस एओपी एओपी मार्क कर पे एओपी एवं बीओपी होगा एओबी कोण
मेजरमेंट ऑफ ए ओ बी कोण ताल ए कोण रो 360 डिग्री माइनस ए कोण हला ए कोण को बुझौछि जोटा कि एक्स बी चाप तो दैट इंप्लाइज मेजर ए पी बी कोण ए पी बी कोण इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ ए जो 360 ए जो 2 थिला एपटे हर देले हमें 1/2 हो गेला तो 360 डिग्री माइनस ए कोण मार्क कर पिला माने 360 डिग्री माइनस ए कोण हला ए कोणटा तो ए कोण रो मेजरमेंट कहला माने का बुझवा मेजरमेंट ऑफ एक्स बी चाप मेजरमेंट ऑफ एक्स बी चाप तो ये होची ए थ्योरम एटा होची प्रमाण तृतीय प्रमाण हो गेला एटा को हमें प्रमाणित लिख परिया तो ये जेहेतु तीनोटी चित्र अछि आउरी गोटे परिस्थिति अछि आउरी गोटे परिस्थिति रे एटा जेहेतु आमे समान बोली प्रमाण कर दे पारिबा सेतेबेले मध्य आउ गोटे परिस्थिति पई एहा मध्य सत्य हो आज आउ समय होई छे मु से विषय आलोचना करूनी परवर्ती क्लास रे जेतेबेले मु पढ़ियक जिबी से सम्यक धारणा से विषय आउ टिके कहि देबी तमु टिके रिकॉल कर देबी तो ये होचे तो तीनोटी चित्र प्रथम चित्र रे आमे देथिले नेथिले गोटे क्षुद्र चाप द्वितीय चित्र नेथिले गोटे अर्धचाप बा अर्धवृत्त तृतीय चित्र नेथिले गोटे बृहचाप नेथिले अंतर्लिप्त बृहचापर अंतर्लिप्त कोण एटे नेथिले अर्धचापर अंतर्लिप्त कोण बा अर्धवृत्तर अंतर्लिप्त कोण एटे नेथिले क्षुद्रचापर अंतर्लिप्त कोण आरु गोटे क्षुद्रचापर अंतर्लिप्त कोण बृहचापर अंतर्लिप्त कोण आमे नेइकिरि आउ थरे आमे भिन्न परिस्थिति रे बिषयटा शो करि परिया तो एइबोलि पिला माने आगर जो थियोरमटा दोथले से चारोटी चित्र तां करिया पडथला चारोटी चित्र को जस्टिफाई कला बेलकु तां बहुत समय लागथला पिला माने भूलभाल करिवार संभावना बेसी थला सेतिपई जेहेतु एटा गोटे इम्पोर्टेंट फैक्ट सेतिपई इम्पोर्टेंट फॉर्मुलाटे सेतिपई एटा को से डिडक्शन भावरे आउ न देके बा थियोरम भावरे न देके से गोटे प्रमेय आकार देछि जोटा के आमे तार ताको यूटिलाइज विभिन्न समय रे आमे करिबा तनो भल भाबरे एटा उठे भल बुझिथिबा दरकार बहुत बहुत धन्यवाद पिला माने बहुत मोर वीडियो गुडी को देखतुआरो वीडियो गुडी लाइक एवं शेयर करियो का आदम भूलिबो नै एवं जो माने मोर चैनल टिको सब्सक्राइब करना शीघ्र शीघ्र सब्सक्राइब करना जादरके नेक्स्ट वीडियो गुडी को तम पारे पहुचबो तार नोटिफिकेशन तम पाइबो एवं ताको यूटिलाइज करि तम कोर्स को आगु नै परिबो एवं भल भाबरे प्रैक्टिस करि मैथमेटिक्स रे 100 पई तम चेष्टा करिबो आसंता क्लास रे आउर किछ नूतन तथ्य नूतन प्रश्न समाधानी तुम सामना को आसीबी सेपर रोज पिला माने बाय बाय।